तो दूसरी डिश मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सीख कबाब शान का पैकेट, ये हम हाफ यूज़ करेंगे, 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, और दही है 1 पाव, और उसके बाद है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने फ्रेश बनाया है अभी, और ये कीमा है तकरीबन 1.25 किलो या 1 किलो कीमा है मशीन का। तो अब मैं इसमें डालूंगी दही, सीख कबाब का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। ये भी मैं पॉट में बनाऊंगी, और दम कीमे की तरह का होगा, ये सीख कबाब का टेस्ट है, लेकिन ये भी मैं पॉट में बनाऊंगी, स्टिक में ये बनाऊंगी। ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी बर्तन में मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ। लहसुन अदरक, दही और सीख कबाब का पैकेट का 3 चम्मच जो है वो मैंने डाले इसमें, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ताकि जब मैं इसमें कीमा डालूं तो उसमें हर जगह मसाला जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी इसमें, आपको इस मिक्सचर को और ये कीमे को अच्छी तरह से इसको यकजा कर देना है कि सब जगह जो है मसाला जो है वो कीमे के अंदर चला जाए। ये मैंने इसको हाथ से अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मतलब मसाला कीमे में अच्छी तरह जो है वो यकजा हो गया है। अब मैं इसको भी ओवरनाइट फ्रिज में रखूंगी, और जब मुझे कुक करना होगा तो मैं आराम से इसको निकालूंगी और इसको भी मैं पॉट में पकाऊंगी। वो कैसे पकाऊंगी तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दोबारा से, जब कल मैं कुकिंग करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पॉट में इसको कैसे बनाऊंगी। ये मैंने पॉट में कीमा जो है डाल दिया है, और इसमें देखो मैंने ऑयल भी डाल दिया है, तो अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो इसी पानी में जो है ये गल जाएगा, तो मैं अब इसको हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। ये देखें 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा, तो ये देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, अब इसी पानी में है, आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसी पानी में ये गल जाएगा। इसको मैं और 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी। इसको थोड़ा सा तोड़ लें, क्योंकि थोड़े से कीमे को अच्छी तरह खोल लें, क्योंकि जैसे जैसे स्टीम आ रही है तो ये कीमा जो है वो जुड़ रहा है। इस तरह मैंने खोल दिया, थोड़ा सा दानेदार बना दिया इसको मैंने कीमे को। इसको आप दम कीमा भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें मसाला डाला है वो है सीख कबाब कीमे का। ये देखिए फ्लेम मैंने हल्का रखा हुआ है, अब इसको मैं 5 से 10 मिनट और ढक के पकाऊंगी। साइड पे मैंने ये रख दिया है लच्छेदार प्याज और हरा धनिया, तो ये भी मैं 5 मिनट, जब मैं इसका पानी भून रही होंगी तो तभी मैं ये प्याज डाल दूंगी, बहुत पहले नहीं डालीजिएगा बल्कि भूनते हुए डाल दीजिएगा, ताकि जब भुनाई हो जाए तो प्याज भी थोड़ी सी नरम हो जाए और हरा धनिया का टेस्ट दोनों का अच्छा लगता है टेस्ट डालने के बाद। तो बस अब मैं इसको 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। जी 10 मिनट बनाने के बाद देखें अभी पानी है इसमें, अब मैं तेज़ फ्लेम करके मैं इसको अब भुनाई पर ले आऊँगी, ठीक है। जैसे ही ये भुन रहा होगा तो मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी लच्छेदार, और
और ये इसी ही भुनाई में जो है ये प्याज नरम भी हो जाएगी। और जब सब ये भुनाई पे आ रहा है, थोड़ा सा इसमें मसाला कम था, स्पाइस कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। बस अब ये भुनाई पे आ रहा है, फिर मैं इसको लास्ट में कोयले का दम दूंगी 5 से 10 मिनट। जी तो ये देखें, मैंने कोयले का दम के लिए यहाँ रख दिया है। इसको अच्छी तरह पानी खुश्क करके हरा धनिया डाल के भुनाई में, और अब इसमें ये कोयले का दम लग रहा है। तो ये दम कीमा तैयार है मेरा। जी सीख कबाब कीमा, दम कीमा तैयार है। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।